आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, दो दो बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि दो बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, शत प्रतिशत लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब शत प्रतिशत पहुंचते हैं ना तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है, पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है, ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक को विश्वास रहता है भले उसको पहले मिला होगा लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही, 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूं, भेदभाव नहीं कर सकता है।
और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। 100% लाभार्थियों को पहुंचने का मतलब होता है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते हैं, सरकार उसकी साथी बनकर के चलती है। ये भाव देश के दूर दराज जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला मेरा कोई गरीब मां बहन हो, बुढ़ापे में अकेले जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा कराना है कि उसके हक की चीजें उसके दरवाजे पर आकर के देने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, 100% लाभार्थियों की कवरेज यानी हर मत, हर पंथ, हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ सबका विकास, 100% लाभ, गरीब कल्याण की हर योजना से कोई छूटे ना, कोई पीछे ना रहे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपने आज जो राखी दी है ना, सब विधवा माताओं ने मेरे लिए जो राखी भी इतनी बड़ी बनाई है राखी, ये सिर्फ धागा नहीं है, ये आपने मुझे एक शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। और जिन सपनों को लेकर के चले हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति दी है। इसलिए आज जो आपने मुझे राखी दी है उसे मैं अनमोल भेंट मानता हूं। ये राखी मुझे हमेशा देश के गरीबों की सेवा के लिए, 100% सैचुरेशन की तरफ सरकारों को दौड़ाने के लिए प्रेरणा भी देगी, साहस भी देगी और साथ भी देगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज राखी भी सब विधवा माताओं के प्रयास से बनी है। और मैं तो जब गुजरात में था, बार बार मैं कहता था, कभी कभी खबरें आती थी मेरे पर, मेरी सुरक्षा को लेकर के खबरें आती थी, एकांत बार तो मेरी बीमारी की खबर आ गई थी, तब मैं कहता था भाई मुझे तो कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मिला हुआ है, जब तक ये कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मुझे मिला हुआ है, वो रक्षा कवच को भेद करके कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और आज मैं देख रहा हूं हर कदम पर, हर पल माताएं बहनें उनके आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बने रहते हैं। इन माताओं बहनों का जितना मैं कर्ज चुका हूं उतना कम है। और इसीलिए साथियों, इसी संस्कार के कारण मैंने लाल किले से हिम्मत की थी एक बार बोलने की, कठिन काम है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मालूम है ये कठिन काम है, कैसे करना मुश्किल है मैं जानता हूं, सब राज्यों को प्रेरित करना, साथ लेना मुश्किल काम है मैं जानता हूं, सभी सरकारी कर्मचारियों को इस काम के लिए दौड़ाना कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन आजादी का अमृतकाल है, आजादी के 75 साल हुए हैं, इस अमृतकाल में मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं के सैचुरेशन की बात मैंने लाल किले से कही, 100% सेवा भाव का हमारा यह अभियान
सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे खुशी है कि हमारे गुजरात के मृदी और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनके नेतृत्व में गुजरात सरकार इस संकल्प को सिद्ध करने में पूरी निष्ठा के साथ जुटी है।